ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है सर्व संबंधों की अनुभूति। पहला है, जब बाप मिल गया तो सर्व संबंध एक बाप से सदा है ही। पहले कहने मात्र थे, अभी प्रैक्टिकल है। भक्ति मार्ग में भी गायन जरूर करते थे कि सर्व संबंध बाप से है, लेकिन अब प्रैक्टिकल सर्व संबंधों का रस बाप द्वारा मिलता है। ऐसे अनुभव करने वाली हो ना। नेक्स्ट पॉइंट है, जब सर्व रस एक बाप द्वारा मिलता है तो और कहां भी संकल्प जा नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि विजय रत्न सदा गाए और पूजे जाते हैं, तो विजयी आत्माएं हैं, सदा स्मृति के तिलकधारी आत्माएं हैं, यह स्मृति रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है, परमात्मा प्यार अपने देह भान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे परमात्मा प्यार परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो, कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सच्चे आशिक की विशेषताएं जानते भी हो, फिर भी उसकी मुख्य निशानियां है एक माशुक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशुक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो, तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना, सिर्फ संबंध नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना तो सदा बाप के संबंध कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाते हैं। इसलिए या संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं लेकिन तीनों संबंधों से तीनों रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबर वाइज स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु रूप से किसको देखते हैं? मालूम है नंबर वार फॉलो करने वालों को, जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? याद की
यात्रा। नेक्स्ट पॉइंट है, याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? दूसरों की सदगति करने पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी निराकारी न्यारा बनना। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? कभी वर्षे के रूप में वा बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं, उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है, गति सदगति को प्राप्त कराती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे चार सब्जेक्ट्स है, ज्ञान योग दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, वैसे ही यहाँ चार संबंध भी है। तीन संबंध तो स्पष्ट है, सत बाप सत शिक्षक और सत गुरु, परंतु चौथा संबंध है साजन और सजनी का। यह भी एक विशेष संबंध है। आत्मा परमात्मा का मिलन अर्थात सगाई, यह संबंध भी पुरुषार्थ को सहज कर देता है। इन चार संबंधों के आधार से मुख्य चार धारणाएं हैं। एक तो बाप के संबंध में फरमान बरदार, शिक्षक के संबंध में ईमानदार और गुरु के संबंध में आज्ञाकारी और साजन के संबंध में वफादार। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इसके साथ साथ
चार स्लोगन्स भी स्मृति में रखो, वह कौन से? बाबा के संबंध में स्लोगन है, सन शोज फादर, अर्थात सपूत बन, सबूत देना है। शिक्षक के रूप में स्लोगन है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अर्थात लास्ट घड़ी तक पढ़ना है। यह लक्ष्य अगर मजबूत है तो फिर सर्व प्राप्तियाँ स्वतः ही होती है। और गुरु के रूप में स्लोगन है, जहाँ बिठाए जैसे बिठाए, जो सुनाए जैसे सुनावे, जैसे चलावे और जैसे सुलावे, अर्थात जैसे कि सभी हुक्मी हुकुम चला रहा है, यह है सतगुरु का स्लोगन। अभी साजन के रूप में क्या स्लोगन है? तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं और तुम्ही से श्वासोश्वास साथ रहूं। यह है साजन के रूप का स्लोगन। यह सभी बातें अपने सामने लाकर अपने पुरुषार्थ को चेक करो। इन सभी को रिवाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करते रहते हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोछने के लिए भी आते हैं, और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समान समा देते हैं। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते हो, रूसते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। बच्चे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी है। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, सतगुरु के बने हो तो सतगुरु द्वारा पहला पहला वरदान क्या मिला? मन मना भव। सभी महामंत्रधारी, महादानी, वरदानी, सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु हो, वा यह कहो कि गुरु पौत्रे हो। पौत्रों का हक ज़्यादा होता है। ब्रह्मा के बच्चे तो पौत्रे भी हुए ना, बच्चे भी हो पौत्रे भी हो। जितने बाप के संबंध उतने आपके संबंध, सर्व संबंध में अधिकारी आत्माएं हो। भोलेनाथ बाप से सब कुछ लेने में होशियार हो। सौदागर भी अच्छे हो। सौदे में क्या मिला? मुक्ति, जीवन मुक्ति। सौदागर के साथ जादूगर भी हो। सौदा किया है तो इतना बड़ा किया
जो और सौदा करने की आवश्यकता ही नहीं। कोई वस्तु का सौदा नहीं किया है, लेकिन वस्तु के दाता का सौदा कर लिया। उसमें तो सब आ गया ना, दाता को ही अपना बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रसनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है। कोई रस रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रसना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी? नेक्स्ट पॉइंट है, समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि में लाने वाला है, वह अनुभव नहीं कर सकते हो। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौ रौ नरकवासी व विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है। शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति है। सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। सर्व खजाने है ना, कोई खजाने की कमी है? बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्मा श्रीमत ही पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो। कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वारल अर्थात झगड़ा भी हो जाता है, तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो।
तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो, अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, युगल रूप से अकेले नहीं बनो। जैसे दुनिया में आजकल विशेष सभी कंपेनियन और कंपनी चाहते हैं, इसके पीछे ही अपना समय, तन, मन, धन लगाते हैं, तो आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी दे देते, दुख भी देते, मूड भी बदलते, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे, लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं, कब मूड ऑफ नहीं करते, धोखे से बचाते हैं। सदा एक का हजार गुना देने वाला दाता है, फिर भी कंपेनियन को न पहचानने कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते, नखरे बहुत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहाँ भटकने लग जाते हैं, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना, अर्थात प्रभावित हो जाना, तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ। किनारा करना अर्थात तलाक देना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाला अर्थात आर्टिफिशियल सोने का हिरण अपने तरफ आकर्षित कर देता है, तो तख्त नशीन सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहाँ भी युगल रूप में राज्य करेंगे, इसलिए युगल को कभी अलग नहीं करना है। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होता है, वैसे यह भी कंबाइंड है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी देखा? 84 जन्मों में 84 युगलों में ऐसा युगल कब मिला? तो जो कल्प में एक बार मिलता है उनको तो पूरा ही साथ रखना चाहिए ना। अभी याद रखना कि हम युगल हैं, अकेले नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है ना, तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूर्त हूँ। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। युगल मूर्त समझना यही बड़े ते बड़ी युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया आएगी नहीं। अच्छा, ओम शांति।